गुड मॉर्निंग दोस्तों दोस्तों आज के सेशन में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं प्लैटी हेलमिंथ्स क्लासिफिकेशन में क्या प्लैटी हेलमिंथ्स उससे रिलेटेड हम लोग आज के सेशन में बात करने जा रहे हैं प्लैटी हेलमिंथ्स। प्लैटी हेलमिंथ्स की जो बात करें तो ये क्या हो जाता है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है। डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सल और वेंट्रल फ्लैट बॉडी हो जाता है और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, फ्लैट वार। प्लैटी हेलमिंथ्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये कैसा होता है, फ्लैट वार्म की तरह होता है, नहीं तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लेटी हेलमिंथ्स बोल देते हैं। बच्चों ये जो होता है प्लेटी हेलमिंथ्स की जो बात करते हैं इसमें मोस्टली क्या होता है, इंडो पारासाइट नेचर का होता है। मोस्टली कैसा है, इंडो पारासाइट नेचर का है, नहीं और कहाँ पे मिलेगा, अगर पारासाइट है तो पक्का इसका अपना कुछ होस्ट होगा। तो ज्यादातर जो इस केस में बात करें तो प्लेटी हेलमिंथ्स जो मिलता है एनिमल जो होता है उसका ज्यादातर होस्ट होता है। उसके अलावा जो बात करें ह्यूमन, नहीं एनिमल के अलावा ह्यूमन भी इसका क्या हो जाता है, अच्छा होस्ट होता है। प्लेटी हेलमिंथ्स जो होता है ये क्या है, बाय इलेक्ट्रिकल सिमिट्री। प्लेटी हेलमिंथ्स का सिमिट्री की अगर बात करें तो बाय इलेक्ट्रिकल या बाय इलेक्ट्रिकल सिमिट्री होता है, मतलब सिंगल प्लेन है जो इसको इक्वल हाफ में काट सकता है। एक सिंगल प्लेन जैसे हम लोग भी क्या होता है, बाय इलेक्ट्रिकल सिमिट्री है, अगर हम लोग को भी बीचों बीच काटा जाए तो एक सिंगल प्लेन है जहां से हम लोग को बीचों बीच इक्वल हाफ में काटा जा सकता है। तो सेम बात प्लेटी हेलमिंथ्स में है, ये भी बाय इलेक्ट्रिकल सिमिट्री होता है। और मैंने आप लोग को बताया भी जितना भी बाय इलेक्ट्रिकल सिमिट्री है उसमें मैक्सिमम क्या होता है, ट्रिप्लो ब्लास्टिक नेचर का होता है, मतलब उसमें तीनों जर्मिनल लेयर मौजूद होता है, चाहे वो इक्टोडर्म हो, मीजोडर्म की बात करें या एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के कारण उसमें तीनों क्या है, जर्मिनल लेयर मौजूद होता है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और बीच में क्या हो जाता है, मीजोडर्म। और मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से जो बनता है तो क्या बनता है, सिलोम, सिलोम बनता है। बच्चों शुरू में जो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक आया नहीं तो उसमें सिलोम अब्सेंट था, और सिलोम अब्सेंट होने के कारण जो प्लेटी हेलमिंट्स की हम लोग बात करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ए सिलोमेट स्ट्रक्चर। प्लेटी हेलमिंट्स कैसा स्ट्रक्चर है, तो ए सिलोमेट स्ट्रक्चर प्लेटी हेलमिंट्स का होता है। तो ए सिलोमेट एनिमल है और यहाँ पे प्लेटी हेलमिंट से नहीं ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये सब स्टार्ट हो चुका था। तो यहाँ पे क्या मिलता है, प्लेटी हेलमिंट्स में ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। तो जो प्लेटी हेलमिंट्स में हुक मिलता है, सकर मिलता है, क्योंकि हुक और सकर जरूरी है खासकर पैरासिटिक फॉर्म के लिए। जो पैरासाइट है तो वो क्या करेगा, हुक के माध्यम से कहीं भी उसको होल्ड करके रखेगा अपने होस्ट को, और प्लस सकर है तो वहां से क्या करेगा, उससे न्यूट्रिएंट लेने का काम करेगा। कोई भी पैरासाइट ज्यादातर जो देखा गया उसमें हुक और सकर मौजूद होता है। कुछ जो है, कुछ प्लेटी हेलमिंट्स ऐसा भी है जो कि न्यूट्रिएंट को डायरेक्टली डायरेक्टली होस्ट से ले लेता है, उसके सरफेस से, बॉडी सरफेस से ही न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने होस्ट से। बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करूं प्लेटी हेलमिंट्स में तो वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटी हेलमिंट्स में मिलता है, दैट मीन्स कि उसमें उसका जो बॉडी है तो ब्लाइंड सैक प्लेन बॉडी प्लेन मौजूद होता है, और इसका मतलब ये होता है कि उसमें एक ही ओपनिंग होता है, वही ओपनिंग माउथ का भी काम करता है और इवन एनस का भी काम करता है, या आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि उसमें स्पेशली या सेपरेट एनस के लिए कोई कोई पोर मौजूद नहीं होता है। नहीं, एक ब्लाइंड सैक की जो बात करें तो इसमें टैप वॉर्म का जो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम सब है तो उसमें क्या हो जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली अब्सेंट होता है। टैप वॉर्म की जो बात करें उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, लेकिन प्लेटी हेलमिंथ्स में ज्यादातर कैसा, किस टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो सिंगल सिंगल ओपनिंग उसमें मौजूद होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में देखो यहाँ पे जो फिगर में दिख रहा है कि एक सिंगल सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग जिधर से फूड भी अंदर जाता है और वेस्ट मटेरियल भी इसी से बाहर आ जाता है। तो जो प्लेटी हेलमिंथ्स की जो बात कर रहे हैं हम लोग तो इसमें नर्वस सिस्टम जो है थोड़ा स्पेशल टाइप, यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है लेडर टाइप का होता है, नर्वस सिस्टम लेडर सीढ़ी की तरह, जैसे आप लोग बांस का सीढ़ी देखे होइएगा कि दोनों साइड लंबा लंबा बांस लगा दो और बीच में उसमें क्या होता है, स्टेप होता है, सेम उसी तरह से इसमें नर्वस सिस्टम प्लेटी हेलमिंट्स में मौजूद होता है। तो
लेटर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम कहाँ पे मौजूद होगा? प्लेटी हेलमिंथ। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ सीरीज ऑफ नर्वस कनेक्ट द कोड लाइक नहीं लाइक द रन्स ऑफ अ लेडर, वही लेडर के तरह जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ प्लेनेरिया में दिखाऊं नर्वस सिस्टम, तो आप जरा सा गौर करके देखो, ये जो आपको सामने दिख रहा है इस तरह से, तो ये क्या है? लेडर लाइक है, बीच बीच में इस तरह से ट्रांसवर्सली जो स्टेप बना हुआ है, नहीं तो ट्रांसवर्स नर्व है ये, और ये वेंट्रिकल नर्व है, और सबसे ऊपर में टिप पार्ट पे इसमें क्या दिखा रहा है? ब्रेन। तो याद रखना है प्लेटी हेलमिंथ्स में नर्वस सिस्टम कैसा है? लेडर लाइक नर्वस सिस्टम मौजूद होता है। अच्छा, प्लेटी हेलमिंथ्स में जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है तो डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट, होस्ट से क्या करता है कि डायरेक्टली न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो न्यूट्रिशन है ज्यादातर ये पैरासिटिक फॉर्म है, तो इसको तो न्यूट्रिशन चाहिए, और ज्यादातर जो है होस्ट से डायरेक्टली, और डायरेक्टली में भी कहां से, तो होस्ट के बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एस्केलेटन, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो बात करें तो खासकर प्लेटी हेलमिंथ्स में ये तीनों सिस्टम अब्सेंट होता है। बच्चों, प्लेटी हेलमिंथ्स की जो बात करें, इसका इस्क्रिटरी ऑर्गेन जो होता है, इस्क्रिटरी सिस्टम जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, उसको एक स्पेशली नाम दिया जाता है फ्लेम सेल। फ्लेम सेल के द्वारा ये क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेट करता है। ऑस्मो रेगुलेशन की जो बात करें तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है एक समान कंडीशन को मेंटेन करना, नहीं होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म को मेंटेन करता है ऑस्मोसिस करके। जैसे ऑस्मो प्लस रेगुलेशन, ऑस्मो और रेगुलेशन, यहाँ दो बात है, तो ऑस्मोसिस करके जो अपने अपने सेल के अंदर का कंसंट्रेशन, या डायरेक्टली बोलो बॉडी फ्लूड को मेंटेन करने का जो काम करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन में फ्लेम सेल का बहुत बड़ा रोल है, खासकर प्लेटी हेलमिंथ्स सब की जो बात करें। ये क्या काम करेगा? इस्क्रेशन का काम करता है। तो बच्चा यहाँ पे जो दिख रहा है ये प्लेटी हेलमिंथ्स में प्लेनेरिया का जो फिगर, और इसमें ये सेक्शन काट के थोड़ा सा बड़ा करके देखो, तो यही यहाँ पे क्या है, ये जो आप लोग को दिख रहा है तो फ्लेम सेल, यही क्या दिख रहा है? फ्लेम सेल, जो कि क्या करेगा? फ्लूड बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेगा, या ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा। प्लेटी हेलमिंथ्स में जो सेक्सेस होता है ये सेपरेट नहीं होता है, मतलब कहने का ये है कि दोनों सेक्स ऑर्गेन इसमें मौजूद होता है, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में मौजूद होता है, और इसका जो फर्टिलाइजेशन है तो इंटरनल, और जो डेवलपमेंट होता है तो लार्वा स्टेज, नहीं लार्वा स्टेज से इसका क्या हो जाता है? डेवलपमेंट हो जाता है। कुछ मेंबर है प्लेटी हेलमिंथ्स में जिसमें प्लेनेरिया, प्लेनेरिया की जो बात करें, हायर रीजेनरेशन कैपेसिटी होता है, उसमें रीजेनरेट करने का कैपेसिटी प्लेनेरिया में बहुत ही फास्ट होता है और तेजी से होता है। अगर प्लेनेरिया का बॉडी कहीं से टूट जाए, ब्रेक कर जाए, तो फिर से कंप्लीट एक न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। बच्चों, प्लेनेरिया का यहाँ पे जो फिगर आपको दिख रहा होगा, ये किसका फिगर है? ये प्लेनेरिया का फिगर है, इसमें नर्वस सिस्टम ही सब भी दिखा गया है, और इसमें यहाँ पे कटने के बाद फिर से ये क्या कर जाता है कि रीजेनरेट कर जाता है। प्लेटी हेलमिंथ्स का अच्छा सा एग्जाम्पल है टीनिया, जिसको हम लोग टेप वॉर्म भी बोलते हैं, नहीं फेसिकुला, जिसको लिवर फ्लूक भी बोला जाता है। तो टीनिया, टेप वॉर्म, लिवर फ्लूक, ये सब प्लेटी हेलमिंथ्स का अच्छा सा एग्जाम्पल है, एक बढ़िया एग्जाम्पल हो जाता है बच्चों। तो टीनिया हो गया, जिसको क्या बोले? टैप वॉर्म। तो टैप वॉर्म की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप देखो इस फिगर में आपको अच्छे से दिखेगा, ये टैप वॉर्म, यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये क्या है? टैप वॉर्म। फेसिकुला, लिवर फ्लूक जिसको बोलते हैं, तो ये क्या है? यहाँ पे जो फिगर में आपको दिख रहा है ये फेसिकुला है। ये जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, नहीं ये जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो बात करें ये कॉम्प्लेक्स होता है एंड वेल डेवलप होता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है सेल्फ और क्रॉस दोनों हो सकता है, और कैसा होगा? इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट की जो बात करें तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी प्लेटी हेलमिंथ्स में हो जाता है बच्चों। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की जो बात करें तो लार्वा वन और मेनी टाइप का भी हो सकता है। इसका जो यहाँ पे जो बात करें, ये जो रेस्पिरेशन करता है, जो सांस लेने का काम करता है, तो वो जनरली कहाँ से करता है? तो बॉडी
सरफेस से करता है। एनरोबिक रेस्पिरेशन इन इंटरनल पैरासाइट लाइक टीनिया, टीनिया ही सब इसमें से कुछ है जो एनरोबिक रेस्पिरेशन भी करता है, खासकर वैसा पैरासाइट जो इंटरनल होता है, जो बॉडी के अंदर में रहेगा, जो एनिमल बॉडी या ह्यूमन बॉडी के अंदर में रहेगा तो उसको फिर ऑक्सीजन सप्लाई मिल नहीं पाएगा, तो वो क्या करता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता है जैसे टीनिया। प्लेनेरिया की जो बात करें, मिलता कहाँ है तो फ्रेश वाटर, प्लेनेरिया कहाँ मिलेगा आपको, फ्रेश वाटर में मिलता है क्या प्लेनेरिया, प्लेनेरिया ही सब की जो बात करते हैं तो फ्रेश वाटर इस सब में मिलेगा। और खासकर प्लेटियल मींस में ये सब क्या होता है, नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल कहने का मतलब है वैसा एनिमल जो रात में एक्टिव होता है, ज्यादातर उसका फंक्शन रात में हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं नॉक्टर्नल, तो नॉक्टर्नल होता है। कैनाबिलिज्म होता है, कैनाबिलिज्म का मतलब होता है वैसा स्पीसीज जो अपने ही स्पीसीज को खा जाए, जरूरत पड़े तो खुद को ही मार के अपने ही स्पीसीज को मार के खा जाए, तो वैसे वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं कैनाबिलिज्म, नहीं तो कैनाबिलिज्म होता है। रिप्रोड्यूस जो होता है सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल होता है, और जैसा कि बताया कि गुड पावर ऑफ रीजनरेशन इसमें प्रेजेंट होता है बच्चों। फेसिकुला लिवर फ्लूक की बात करें तो इसका जो लाइफ हिस्ट्री होता है, नहीं तो उसमें दो होस्ट होता है, डाइजेनेटिक पैरासाइटिक होता है लिवर फ्लूक, प्राइमरी होस्ट इसका लिवर फ्लूक का क्या होता है सिप और यानी तो गॉड, और सेकेंडरी होस्ट जो होता है नहीं तो गार्डन स्नेल होता है, गार्डन स्नेल। एडल्ट लिवर फ्लूक की जो बात करें, फाउंड इन बाइल डक, नहीं तो नाम ही है लिवर फ्लू तो कहाँ मिलेगा बाइल डक पे मिलता है एंड लिवर ऑफ द सी एंड काउज लिवर रोट डिजीज काउज करता है या लिवर का सिरोसिस करवा देता है, लिवर को खराब करवा देता है। टीनिया सोलियम की बात करें जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉर टैपवॉर्म, टीनिया सोलियम ये इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फ्लैट होता है, वाइट रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है टीनिया सोलियम की जो बात कर रहे हैं हम लोग बच्चा। इसका जो बॉडी है, इसका जो बॉडी है ये डिवाइडेड होता है हेड एंड हेड, जिसको कि हम लोग एस्कोलैक्स भी बोलते हैं, और उसके साथ क्या होता है हुक एंड सकर। जैसा कि मैंने बताया कि जो भी पैरासिटिक फॉर्म है तो उसमें क्या होना चाहिए हुक और सकर होना बहुत ही जरूरी है। नेक जो होता है फॉर्मिंग न्यू, यहाँ पे प्रोग्लॉटिस इसमें टीनिया सोलियम में जो बात करूँ तो लॉन्ग नहीं एस्ट्रोबिला प्रेजेंट होता है, लगभग 850 प्रोग्लॉटिस उसमें मौजूद होता है, लॉन्ग एस्ट्रोबिला इज इक्वल टू यहाँ पे जो बात करें लगभग 850 प्रोग्लॉटिस। टीनिया सोलियम जो होता है ह्यूमन गट पैरासाइट होता है और अटैच टू यहाँ पे क्या होता है ये अटैच रहता है इंटेस्टाइनल वाल, और इंटेस्टाइनल वाल में जो अटैच रहेगा तो हुक के माध्यम से, हुक से उसको क्या किया हुआ रहता है जकड़े हुए रहता है या पकड़े हुए रहता है, और सकर के माध्यम से वहां से न्यूट्रिशन को लेता चला जाता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, इंटरनल पैरासाइट है तो ये क्या करेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन करने का काम करेगा। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है बच्चों तो यहाँ पे क्या है ये फिगर में रोस्टेला ये हुक वाला जो दिख रहा है नहीं एस्कोलेक्स ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये जो इसका हेड वाला पार्ट है जिसको एस्कोलेक्स भी बोल देते हैं, यही इसका सकर है जहाँ से ये सक करने का काम करेगा, ये नेक और इमेच्योर प्रोग्लॉटिस जो ये इस तरह से सिगमेंटेड दिख रहा है तो यहाँ पे क्या है ये प्रोग्लॉटिस ये सब इसमें दिख रहा है बच्चों। इसी में ये जो पीछे है इसका अगर हम थोड़ा सेक्शन काट के यहाँ पे बड़ा करके देखें तो इस तरह से दिखेगा रिप्रोडक्टिव प्रोग्लॉटिस जो हम लोग बात करते हैं, और रिप्रोडक्टिव प्रोग्लॉटिस में ये बीच वाला पार्ट यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है ओवरी को दिखा रहा है, यहाँ बगल में योक ग्लैंड है यहीं पे जो बात करें ये जो वाला पार्ट है ये क्या हो जाता है यूटरस, ये जो पार्ट है ये क्या है यूट्रस, और ये जेनाइटल पोर होता है बच्चों, ये क्या हो जाता है जेनाइटल पोर, और ये टेस्टिस है तो टेस्टिस है तो इसी में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, तो यही प्रोग्लॉटिस, प्रोग्लॉटिस एक है और उसी सिगमेंट का यहाँ पे बात है, हर एक सिगमेंट हर एक प्रोग्लॉटिस में लगभग ये चीज मिलता ही मिलता है, तो टीनिया सोलियम में ही हो गया। हर्माप्रोडाइट होता है बच्चों, हर्माप्रोडाइट कहने का मतलब आप लोग को अच्छे से पता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन अगर एक ही में मौजूद हो तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं हर्माप्रोडाइट, अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गेन एक ही में प्रेजेंट हो तो हर्माप्रोडाइट कर देते हैं, और ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकता है, कहने का मतलब अपना ही स्पर्म अपने ही ओबा को फर्टिलाइज कर सकता है, और ये जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो जो दो डिफरेंट प्रोग्लॉटिस होता है जो दो सेगमेंट है नहीं तो प्रोग्लॉटिस जिसको हम लोग बात करें उसमें ये सेल्फ फर्टिलाइज हो सकता है। इसका लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसका दो होस्ट होता है,
डायजेनेटिक पैरासाइट होता है ये। इसका प्राइमरी होस्ट, टीनिया सोलियम का प्राइमरी होस्ट आपको याद रखना होगा, मेन होता है। प्राइमरी होस्ट की जो बात करें टीनिया सोलियम में मेन, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो क्या होता है, पी। नहीं, तो प्राइमरी होस्ट टीनिया सोलियम का क्या है, मेन, और सेकेंडरी होस्ट क्या है, पी। तो मेन और पी इसका होस्ट होता है टीनिया सोलियम का। बच्चों टीनिया सोलियम का अगर फिगर देखें हम लोग, तो ये जो सामने प्रोजेक्ट किया हुआ है ये क्या है, टीनिया सोलियम से रिलेटेड बात कर रहा है। तो प्राइमरी होस्ट मैन और सेकेंडरी क्या है, पी। तो हम लोग कहीं एक जगह से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ये टीनिया सोलियम एडल्ट वर्म जो है, ये जो है ह्यूमन इंटेस्टाइन इस सब में रहता है, और इंटेस्टाइन से डिस्चार्ज हो जाता है, और प्रोग्लॉटिस जो इसका होता है फुल ऑफ एग, नहीं, जिस समय ये डिस्चार्ज होता है पूरी तरह से एग से भरा होता है, इनटू द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट में आ गया। तो ह्यूमन से कैसे डिस्चार्ज होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हुए आ जाएगा, फिशेस के माध्यम से टीनिया सोलियम बाहर आ गया। नहीं, और यही जो बाहर आ गया, तो बाहर कहाँ, तो सॉइल में आ गया, एनवायरमेंट में आ गया। अब मान लो पिग इसी चीज को खा लिया, नहीं, ये जो फिशेस है इसको अगर पिग खा ले तो क्या होगा कि पिग में ये चला गया, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में ये चला गया। पिग अगर इसको खा लिया, या मान लो कि ये जो फिशेस मटेरियल था वाटर के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह चला गया, उसका एक जो था फर्टिलाइज वाला वो कहीं एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो गया वाटर के माध्यम से, या किसी भी माध्यम से पिग के अंदर में अगर चला गया, तो पिग के मसल्स में ये चला जाता है। ये कहाँ जाता है, पिग के मसल्स में, सिस्टिक डेवलपमेंट करवा लेता है, सिस्ट बना के वहीं पिग के मसल्स में रहता है। मान लो वैसा ह्यूमन जो पिग को काट के खाया या मार के खाया, तो उसके मसल्स होते हुए ये टीनिया सोलियम की जो बात करें कहाँ पे आ गया, फिर से ह्यूमन में आ गया, और ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम, खाया तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गया, और यही डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आ जाता है तो फिर इस ह्यूमन को क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि पिग का मीट को अगर अच्छे से डाइजेस्ट, अच्छे से पका दिया जाए तब तो वो मारा जाएगा, लेकिन प्रॉपर अगर मीट नहीं पका है और वो ह्यूमन में आ गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है। बच्चों यहाँ का कंटामिनेशन जो फिशेस से है, अगर वाटर में आ गया, सॉइल में आ गया, तो कंटामिनेटेड फूड में भी आ सकता है, और कंटामिनेटेड फूड से भी ह्यूमन इसको ले सकता है। नहीं, और इसका जो सिस्टिक सरसाई होता है ये अगर लॉग हो गया, और ये सीधे ब्रेन को भी इफेक्ट करने का काम करता है, ह्यूमन के आई को इफेक्ट कर सकता है, ह्यूमन के मसल्स को इफेक्ट करने का काम कर देता है। तो ये टीनिया सोलिया, नहीं, ये पूरा हो गया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।